हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोज़ाना। जब भी आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होती है, 10 साल के बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो जाती है और आपको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। रिन्यूअल कराने टाइम में आप उसमें नेम, सरनेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पिक्चर, सिग्नेचर कुछ भी आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन में जो भी आप डिटेल्स फिल करेंगे वही आपके नए पासपोर्ट में आएंगे। तो 2021 में किस तरीके से हम पासपोर्ट रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे तो खून में ही टाइटेनियम है, पैसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाने की जाके भी आप इस पेज पर आ सकते हो या अपने ब्राउजर में टाइपिंग कीजिएगा passportindia.gov.in तो भी इस पेज पर आ सकते हो। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि तो अप्लाई करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि जो एप्लीकेशन जो है ये अवेलेबल है या नहीं। तो सिंपली आपको इसको चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबल पर ओके कर लेंगे कि जो अपॉइंटमेंट है अवेलेबल या नहीं। तो सिंपली अपॉइंटमेंट पर हम क्लिक करेंगे ये जानने के लिए कि अवेलेबल है या नहीं। चलिए सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आप जो पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो कौन से पासपोर्ट ऑफिस में यहाँ से आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चलिए मैं अपने यहाँ चूज कर लेता हूँ। ये कैप्चा है, एज इट इज कैप्चा आपको इसमें फिलअप कर देना है। अगर समझ में नहीं आता है कैप्चा तो यहाँ से आप इस कैप्चा को रिफ्रेश कर लीजिएगा। तो यहाँ से इसको आप एज इट इज आपको यहाँ कैप्चा पर डाल के यहाँ अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने आ जाएगा कि इस पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं। जो आप देख रहे हैं कितने सारे अवेलेबल है तो आप बहुत ही आसानी से इस पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा सकते हैं। जो आप देख रहे हैं पीएस के जो आप देख रहे हैं कि 1100 अपॉइंटमेंट रिसीव्ड है, यहाँ 100 है, 150 है, 60 है इस डेट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोकेशन भी आ चुका है या एड्रेस यहाँ है, एप्लीकेशन टाइप है या यहाँ जो अपॉइंटमेंट क्वेट है और यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट है, ये डेट में यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पर आप जाके इस पासपोर्ट ऑफिस में आप बहुत ही आसानी से अपना जो पासपोर्ट है इसको रिन्यूअल करा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सिंपली आप रजिस्ट्रेशन वाले पे ओके करेंगे, जैसे ओके कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, CPV दिल्ली, यहाँ डिप्लोमेटिक के लिए है। चलिए हम आम नागरिक है तो सिंपली हम यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पे ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप चूज कर लेंगे लोकेशन कि कौन से पासपोर्ट ऑफिस में आप जाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपना लास्ट नेम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको इसके कैलेंडर में से चूज कर लेनी है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो आपको यहाँ कैलेंडर में जाके इसको चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको डालनी होगी एक ईमेल आईडी। अगर आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली हम यहाँ पे नो पे ही क्लिक रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक अवेलेबिलिटी पे आपको क्लिक करके चेक कर लेना है कि जो आप लॉगिन आईडी दिए हैं वो अवेलेबल है या नहीं। चलिए हम यहाँ सिंपली चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं कि मेरे केस में ये अवेलेबल है, अगर आपको नहीं होगा तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग आ जाएगा, मतलब नॉट अवेलेबल है। तो सिंपली आपको यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी भी जाके चेक कर लेना है कि अवेलेबल है या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड चूज कर लेना है, पासवर्ड को दोबारा से यहाँ कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ना एक हिंट क्वेश्चन चूज कर लेना है, ठीक है, कि हिंट क्वेश्चन इसमें चूज कर लेना है कि जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो इस हिंट क्वेश्चन के वजह से आप अपने पासवर्ड को रिकवरी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपना जो आंसर भी आप डाल देना है। इसके बाद ये कैप्चा है, कैप्चा को यहाँ फिलअप करके सिंपली यहाँ रजिस्टर पे ओके कर देना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप अपने जो कंप्लीट हो चुका है जब तो आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक दिया गया होगा जहाँ से जाके आपने जो ये जो रजिस्ट्रेशन किए हैं इसको आपको कंफर्म करना होगा। आप देख रहे हैं कि मेरे पास ईमेल आ चुका है तो सिंपली यहाँ जाके लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, जाने के बाद सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका लॉगिन आईडी है, जो आपको ईमेल आईडी है जो आप डाले थे वो आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा आपको सक्सेसफुली ओपन होकर आपको दिख रहे हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ गया है। आपका यहाँ पर लॉगिन आईडी है, यहाँ पर आपको जो पासवर्ड चूज किए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, या कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है।
तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। आप जो आपके सामने में इस तरीके से देख रहे हैं तो इस तरीके से लेफ्ट साइड में जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको ढेर सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपका। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू ऑफ पासपोर्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके सामने इस तरीके से दो ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करके यहाँ पे जाके इसको अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम ऑनलाइन फिलअप करेंगे, जिसके लिए हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से अपने स्टेट चूज कर लेना है, जहाँ से भी है जो से स्टेट से है तो आपको यहाँ से सिंपली चूज कर लेना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें से आपको चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट आपको कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से चूज कर लेना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है। इसके बाद सिंपली आपको कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ बोल रहा है कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट। यहाँ बोल रहा है कि टाइप ऑफ एप्लीकेशन को आप नॉर्मल लेना चाहते हैं, तत्काल, तो जो भी है आपको लेना यहाँ चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 60 पेज और 36 पेज, अब जो भी लेना है तो इसमें से चूज कर लीजिए। चलिए यहाँ में दो ऑप्शन है, फ्रेश पासपोर्ट और रीइश्यू पासपोर्ट, तो हम यहाँ पर रीइश्यू पासपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पर है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है 3 साल पहले, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है 3 साल के अंदर अंदर, तब आप सिंपली ये वाला फाइल को चूज करेंगे। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो आपका पासपोर्ट 2017 से लेकर 2020 में अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, तो सिंपली आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वैलिडिटी एक्सपायर विद इन 3 ईयर्स। अगर आपका पासपोर्ट जो एक्सपायर होने वाला है, तब भी आप यही ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ से चूज कर लेंगे आपको किस तरीके से एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, नॉर्मल तत्काल, चलिए हम नॉर्मल चूज कर लेते हैं। पासपोर्ट के बुकलेट जो भी लेना है 60 या 36, तो हम 36 पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना पूरी डिटेल फिल्स करनी होगी। यहाँ पे आप डाल दीजिए अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, यहाँ पे अपना लास्ट नेम डाल दीजिए। जेंडर आप इसमें से चूज कर सकते हैं, जो भी जेंडर है तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है, अगर जाना जाता है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ पे हम नो पर ही टिक रहने देंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है, अगर किया है तो यस, नहीं तो सिंपली यहाँ पर हम नो ही रहने देंगे। इसको आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से चूज कर लेनी है, जो अभी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपका जो बर्थ है, प्लेस है, वो इंडिया का है, अगर है तो यस करेंगे, अगर आउट ऑफ इंडिया है तो सिंपली यस करेंगे, अगर आपका इंडिया में ही है तो सिंपली यहां से चूज कर लेंगे। तो यहां से अगर आपका जो बर्थ है इंडिया से बाहर है तो यस करेंगे, नहीं तो हम यहां पर नो पे ही टिक रहने देंगे। इसके बाद यहां पर डालने होंगे अपने प्लेस ऑफ बर्थ का नाम, मतलब विलेज, गाँव, सिटी। इसके बाद यहाँ पर स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट से है। यहाँ पे आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि डिवोर्स है, सिंगल है, मैरिड है, जो भी है यहाँ से चूज कर लेना है आपको। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपका इंडियन सिटीजन कैसे है, तो यहाँ पर आप चूज कर लेंगे बर्थ। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ डालेंगे, आधार कार्ड है तो उसका नंबर यहाँ डालेंगे, नहीं तो इसको आप वैसे ही छोड़ देंगे, आपको फिलअप नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज कर लेना है कि आप काम क्या करते हैं, तो यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड पर टिक रहने ही देंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पेरेंट में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट में है, तो यस करेंगे, नहीं अगर गवर्नमेंट सर्वेंट में नहीं है तो सिंपली यहाँ नो पर क्लिक करेंगे, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया कि सरकारी नौकरी है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज कर लेना है कि आपका कितना पढ़े लिखे हैं, तो वो आपको इसमें से चूज कर लेना। चलिए हम यहाँ पर ग्रेजुएट एंड एवो पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप नॉन ECRLA कैटेगरी के लिए एलिजिबल है या नहीं, मतलब कि आपका 10 का सर्टिफिकेट है तो सिंपली आप 10वां पास है तो सिंपली यहाँ पर टिक रहने देंगे। अगर आप नॉन ECR में है तो सिंपली यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके इसमें देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको नॉन ECR में आपको लगेगा। अगर आप 10th पास किए हुए तो सिंपली यस करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, क्योंकि अगर आप 10th पास कर लिए हैं तो नॉन ECR के लिए अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आपका नीचे ये जो ये ऑप्शन है, इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है,
आधार कार्ड डालने के बाद नंबर डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे यस करना है। इसका सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना फादर का यहाँ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है जो डाल देना है। यहाँ पे लास्ट नेम भी डाल सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो दोनों आप यहाँ डाल रहे हैं यहाँ लास्ट नेम। यहाँ मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है यहाँ लास्ट नेम। अगर आपका कोई गार्जियन है तो सिंपली इस गार्जियन के यहाँ फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे और यहाँ पे आप इसको लास्ट नेम यहाँ पे डाल देंगे। नाम डालने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपका प्रेजेंट ऑफ एड्रेस आउट ऑफ इंडिया की, अगर हाँ तो यस करके यहाँ पर अपना पूरा डिटेल डालेंगे कि आप कहाँ से हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो सिंपली आप नो करेंगे और यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही अपना पूरा एड्रेस डाल दिएगा तो यहाँ पर विलेज, टाउन, स्टेट आ जाएगा। इस डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से पुलिस स्टेशन जहाँ भी है तो आपको यहाँ से पुलिस स्टेशन भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पे है। इसको यहाँ पिन कोड डाल देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे, और मेरा सेम है तो मैं ही यहाँ पे यस करेंगे। अब पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो सिंपली हम यहाँ पे यस कर लेंगे। यस करके सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देनी होगी, मतलब कि अगर आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में जो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देंगे तो उससे संपर्क किया जाएगा। तो उसका आप यहाँ पे नाम डाल देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे अगर कोई टेलीफोन नंबर वो डालेंगे, इसको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने पुराने पासपोर्ट के पूरा डिटेल आपको यहाँ पे डाल देना है। तो अपने पुराने पासपोर्ट की पूरी डिटेल डाल देनी होगी जो एक्सपायर हो गया है। इस पर यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना है, इशू कब हुआ था वो डेट डाल देना है, एक्सपायरी डेट डाल देना है। यहाँ पर आपको विलेज, टाउन, सिटी डाल देना है। यहाँ फाइल का जो नंबर होता है वो सब आपको पासपोर्ट में ही मिल जाएगा फर्स्ट और सेकेंड पेज पे, तो आपको वो यहाँ पे डाल देना है फाइल नंबर। ये पूरे डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे चूज कर रहे डिटेल्स नॉट अवेलेबल, तो सिंपली आपको यहाँ पे ये फाइल ये वाले को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आपने पासपोर्ट के लिए कभी अप्लाई किया था और वो इश्यू नहीं हुआ, सिंपली यहाँ से आप यस नो चूज कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ अदर डिटेल देनी होगी जिसमें आपको कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस सब का आंसर देने होंगे यस नो में। यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस कोई इंडिया में चल रही है, अगर चल रही है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली यहाँ से नो कर देंगे। आपके खिलाफ कोई वारंट या कोई समन जारी किया गया है तो सिंपली यहाँ से यस और नो चूज कर लेंगे। क्या आपको अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट इशू किया गया है तो सिंपली यहां से चूज कर लें। क्या किसी कोर्ट ने आपको बाहर जाने के लिए रोक लगाई है? क्या आपको कोर्ट ऑफ इंडिया से 2 साल की सज़ा हुई है? क्या कभी आपके पासपोर्ट को रिफ्यूज या डिनाइड किया गया है? क्या कभी आपके पासपोर्ट को रिवोक किया गया है? तो इस सब को आप नो कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। अब आपके सामने आपके पासपोर्ट का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन है। इसके बाद अपने जो पासपोर्ट है इसके बहुत सही तरीके से एक बार चेक कर लीजिए। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और सारा प्रोसेस यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। आपको पासपोर्ट ऑफिस में 2 प्रूफ देने होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रूफ ऑफ बर्थ, यहाँ से आप अपना जो भी प्रूफ ऑफ बर्थ वहाँ से चूज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे सिंपली आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपको आपका एड्रेस का जो भी प्रूफ है वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चलिए इसमें भी हम आधार कार्ड ही चूज कर लेते हैं, तो सिंपली इसमें से आधार कार्ड आप चूज कर लीजिए। मतलब कि आप अपने आधार कार्ड के बेस पर अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करा सकते हैं। नीचे दी गई है पासपोर्ट सेवा या एसएमएस सर्विस, अगर आपको चाहिए तो सिंपली यस करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ पर नो पर टिक रहने देंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो सिंपली इसको यस करेंगे और यहाँ से देख रहे हैं कि आपको 50 रुपये लेंगे, जो आपको ये जो 50 रुपये हैं वो आपको पासपोर्ट ऑफिस में ही लिए जाएंगे। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके पासपोर्ट का क्या स्टेटस है अगर आप ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको ये पासपोर्ट सेवा एसएमएस नहीं चाहिए तो सिंपली जस्ट हम इसको नो करेंगे। इस पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ अपना प्लेस का बार जगह डालेंगे जहाँ से भी हैं आप। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। इस बार सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके ऑप्शन आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आपका फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ चुका है। तो आपका जो है फॉर्म बहुत आसानी से यहाँ पे सबमिट हो चुका है।
और आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ARN नंबर भी आपका जेनरेट हो गया है, जो कि आपका नंबर यहाँ पे है, जो आप अपना नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। इसको नेक्स्ट यहाँ पर आपको पेमेंट करना है और एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल जनरेट करना है। इसको यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन जो है प्रिंट करनी हो, जो आपको पासपोर्ट के में चाहिए, जब भी जाइएगा पासपोर्ट ऑफिस में, तो वो आप जब भी एंट्री कीजिएगा तो वो आपको यहाँ पर वो पासपोर्ट जो एप्लीकेशन है वो आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी। इसके बाद अगर चाहे तो यहाँ अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट को अपलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम फीस पे करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर सिंपली फीस पे एंड शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट, हम सिंपली ऑनलाइन पेमेंट पर ओके करके यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ चुका है, सिंपली यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आपके पास ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। तो इस तरीके से आपके सामने अपॉइंटमेंट आ जाएगी, किस डेट में जो अपॉइंटमेंट है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारा है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि अपॉइंटमेंट का लोकेशन चूज कर लेंगे कि आपको कहाँ चाहिए। इसका जो कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है, इसका सिंपली यहाँ नेक्स्ट कर देना है। जिस डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है वो डेट आपको यहाँ पे शो कर देगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 26 का डेट शो कर दिया। अगर आपको अपॉइंटमेंट बहुत लग रहा है कि बहुत ही नज़दीक है, तो अपना अपॉइंटमेंट आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपली इस कैलेंडर पर क्लिक कीजिएगा, जो भी कैलेंडर में आप देख रहे हैं ये जो डेट है वो डेट में सब अवेलेबल है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट करके आगे भी डेट अगले मंथ में भी जा सकते हैं, तो सिंपली इस मंथ में भी आप चूज कर सकते हैं। चलिए मैं अगले मंथ को यहाँ पे चूज कर लेता हूँ 10। तो यहाँ पर 10/12/2020 आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन होकर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ देखें नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ चुका है SBI का, अदर बैंक का यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे स्टेट बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ अदर बैंक का स्टेट बैंक जो है उसका ऑप्शन आ चुका है। आप UPI से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि 26.55 रुपये मतलब आपको यहाँ पे अकाउंट में से कट हो जाएंगे। तो आप जिस भी से अदर, जैसे यहाँ पे स्टेट बैंक का है, अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड को आपको यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अदर वाले को चूज कर लेते हैं। तो सिंपली क्लिक हेल्प पर क्लिक करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से आपका जो पेमेंट ओपन होकर आ चुका, जो आपके अकाउंट से आपका 1500 रुपये कट जाएंगे। और यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर आपको यहां पे दे दिया गया है, जो आप रेफरेंस नंबर को आप नोट करके रख सकते हैं। चलिए यहां पे सिंपली कन्फर्म पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो ये पेज ओपन होकर आ चुका है, अब यहां पे पूरा डिटेल आप यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पे अपना कार्ड नंबर डालिए, यहां पे मंथ, यहां पे ईयर डाल दीजिए, यहां पे कार्ड होल्डर का नेम, यहां CCV डाल देना है, जो आप देख रहे हैं बैंक सरकार 3 डिजिट का होता है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आती है तो सिंपली कैप्चा को आप यहाँ से रिफ्रेश करके यहाँ कैप्चा डालिए, यहाँ इसके बाद यहाँ पे पे नाउ पे ओके कर देना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आप व्यू सेव सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जाके आप देख रहे हैं कि इसको टर्म को आप ओके कर देना है। यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को जो है सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपने जो एप्लीकेशन उसको भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। पहले आप यहाँ से चूज कर लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे यहाँ पे आधार का प्रूफ हो गया, चलिए आधार प्रूफ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जाकर जो भी है आधार प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वोटर आईडी, तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, जो भी आपको देना है सिंपली इसमें से चूज कर लीजिए। चलिए हम यहाँ से आधार कार्ड को चूज कर लेते हैं। सिंपली आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड करके चूज फाइल पर जाना है, अपलोड जहाँ भी आपका आधार कार्ड है उसमें अपलोड करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से आएंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ में आप क्या देना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आप डेट ऑफ बर्थ में क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे है बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ट्रांसफर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, तो इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, जो भी आपको देना है सिंपली इसमें से चूज कर दीजिए। चलिए ये इस बार हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं वोटर आईडी, और वोटर आईडी को आपको यहाँ पे अपलोड चूज फाइल में जाके यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉन ACR है, इसके बाद अदर है, और वन ऑफ द करेक्टर है, तो इस तरीके से आपको सारे यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसीप पे क्लिक करके आप अपना एक रिसीप जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। तो फाइनली ये है आपकी रिसीप्ट, जो आपको पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री करते हुए आपको दिखानी होगी।
इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं प्रिंट एप्लीकेशन सिंपली, तो यहाँ पर सीधे आप अपने एप्लीकेशन को जो भी है यहाँ पर आप उसको प्रिंट कर लेंगे। जहाँ भी रखे हैं वहाँ जाके सिंपली अपने एप्लीकेशन को इस तरीके से प्रिंट कर लेना है। तो इस एप्लीकेशन को प्रिंट करा लेनी है आपके अगल बगल को शॉप होगा उस पर जाके, या अपने मोबाइल फ़ोन में भी इसको PDF में सेव करके वहाँ पर दिखा सकते हैं, या आप उसको निकलवा के ले जाके भी आपको पासपोर्ट ऑफिस में दिखाइएगा तो आपको पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री करने दिया जाएगा। तो इसमें आपको टाइम और डेट दोनों लिखा होता है, आपको टाइम से 15 मिनट पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच जानी है। तो आपको वहां पे जब भी एंट्री के स्लिप दिखाने के लिए बोलेंगे तो आपको यही स्लिप आपको वहां पे दिखानी पड़ेगी। इसके बाद आपको बहुत ही आसानी से आपको पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस में आधार कार्ड, इसके बाद आपको जो मार्कशीट है वो आपको वेरीफाई किया जाएगा, और इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन उसको सबमिट कर लिया जाएगा। इसके बाद आपका एक फ़ोटो वहां पे क्लिक किया जाएगा, जो भी वहां पर फ़ोटो क्लिक किया जाएगा वही जो आपका पासपोर्ट में वही फ़ोटो आपका आएगा, और साथ ही आपको एक सिग्नेचर लिया जाएगा, वही सिग्नेचर आपके पासपोर्ट में एंट्री हो, जब भी पासपोर्ट में आपका फ़ोटो के नीचे वही सिग्नेचर आपका रहेगा। इसके बाद वहां से भी आपको एक स्लिप मिल जाएगी जिससे आप अपने पासपोर्ट का बहुत ही आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन करना होगा, जिसके बाद आपके थाने से आपके घर पे एक इंक्वायरी आएगी, आपके जितने डॉक्यूमेंट आपके आधार कार्ड है, इसके बाद फ़ोटो है, इसके बाद ये फॉर्म है, सबको ले आके वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे ही कॉल आए पुलिस थाने से सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बोला हूँ वो ले जाके जमा कीजिएगा, तो आपको जो प्रोसेस 100% सक्सेसफुल्ली कर दिया जाएगा। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट आ जाएगा। इसके बाद आपके पास जो पुराना पासपोर्ट है वो आपको लेके जाना है पासपोर्ट ऑफिस में, और वो पासपोर्ट आपको वहाँ पे जमा करना होगा। लेकिन अगर खोया गया है, चोरी हो गया आपका पासपोर्ट, तो पुलिस में जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखानी होगी, और जो भी पुलिस में आपको एप्लीकेशन में लिखाइएगा वो जो भी आपको रिसीप्ट मिलेगा वो रिसीप लेकर आपको पासपोर्ट ऑफिस में जानी होगी। तो ये पूरा कम्प्लीट प्रोसेस है आपका जो पासपोर्ट है उसको रिन्यू कराने का। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट कर दीजिए।